हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आई एम बैक विद अनदर व्लॉग। ये जो बैग खुले आप देख रहे हैं, हम जा रहे हैं स्कॉटलैंड। तो ये पैकिंग कर रहा हूँ मैं अपनी। तो ये व्लॉग काफ़ी लंबा हो जाएगा, ये पार्ट्स की शक्ल में आएगा, क्योंकि हमने पूरा स्कॉटलैंड घूमना है और अच्छे अच्छे व्यू आपके साथ शेयर करने हैं। हमारे साथ चैनल को जो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट्स करें। तो चलें चलते हैं, और तकरीबन आधे घंटे के बाद हमने निकल जाना है घर से। तो अभी पैकिंग वगैरह कर रहे हैं, मिलते हैं फिर। और अभी हम बिल्कुल रेडी टू डू हो चुके हैं, सामान पैक कर लिया है, तो बैग भी तैयार है। अभी हम घर से निकलने वाले हैं बस एक दो मिनट में, क्योंकि पीछे से सनात आ रहा है। अभी सनात की पैकिंग रहती है, मैं तो रेडी हो गया हूँ बिल्कुल। अभी निकलते हैं बाहर, फिर आपके साथ मिलते हैं। और अभी हम घर से निकल चुके हैं, और अली भी साथ आएगा। अली किधर है? अली किधर? अली टाउन सेंटर आएगा, और मैं और सनात निकल चुके हैं। अभी बस निकलेगी हमारी तकरीबन 9:45 इधर से निकलेगी, तो एक दोस्त को आगे से पकड़ना है। ये व्लॉग पार्ट्स की शक्ल में आएंगे, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि काफ़ी लंबा व्लॉग हो जाएगा अगर एक बनाया तो। तो ये पार्ट्स की शक्ल में आएगा, तो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलें चलते हैं आगे। और अभी हम आ गए हैं बस स्टेशन में, तो इधर से हम बस पकड़ेंगे और विक्टोरिया स्टेशन में जाएंगे लंदन, और उधर से बस पकड़ेंगे तो सीधा स्कॉटलैंड के लिए तरफ। और अली भी आ गया फाइनली, इसका वेट कर रहे थे हम। हाँ जी अली साहब, कैसे हो? निकर अली भाई बस आगे से पकड़े हैं। चलो अभी हमने बस पकड़नी है लंदन जाने के लिए, जो स्कॉटलैंड की बस है वो लंदन से जाएगी। जी जी चलें जी, अली भी आ गया। और अभी हम बस पकड़ने लगे हैं, इधर से बस पकड़ के हम जाएंगे लंदन विक्टोरिया स्टेशन में, तो उसके बाद उधर से बस पकड़ेंगे और जाएंगे हम स्कॉटलैंड की तरफ। चलें चलते हैं बस स्टेशन में। और अभी हम बस स्टेशन में आके खड़े हो चुके हैं, अपनी बस का वेट कर रहे हैं जो लंदन को जाएगी। क्यों अली साहब? ये बस जाएगी? ये नहीं जाएगी यार, ये जाएगी वो देखो भाई। हाँ जी अली साहब कह रहे हैं ये बस जाएगी, क्योंकि लिखा भी हुआ है। और 9:45 पे जाएगी ये बस, 9:45 पहुँचेगी उधर, जाएगी कोई खाते पीते हैं फिर। 9:45 पे जाएगी के 7:45 पे जाएगी, 1947:45 पे। यार अभी 10 से 15 मिनट पड़े हुए हैं, ये बस जा रही है 7:45 पे। हाँ तो अभी हमने मैप पे देख लिया है और गूगल पे देखा है, तो ये जाएगी 10-15 मिनट बाद, तो इतनी देर हम इधर चिल करते हैं। क्यों अली साहब? क्या करना है, लेट हो गए आप, चला गया सारा। ओहो, स्कूल से छुट्टी हुई थी। अच्छा ज्यादा माहौल था इधर, बर्गर भी आए हुए थे काफी सारे, केक बच्चे सारे, पेस्ट्री केक सारे मिक्स थे इधर। चले यार अभी थोड़ी देर के बाद मिलते हैं आपके साथ। और फाइनली हमारी बस आ चुकी है। क्यों अली आ गई, हम इंतजार कर रहे हैं रजब का। और पीछे रजब भी आ रहा, रजब ने एयरपोर्ट लाने थे, तो फाइनली हमारी बस आ चुकी है। अभी हम निकल रहे हैं लंदन की तरफ, तो लंदन से हम जाएंगे स्कॉटलैंड की तरफ, वो बस पकड़ेंगे। तो जल्दी करो यार, चले अभी जा रहे हैं बस के अंदर। और तीन टिकट्स हमने निकाल ली हैं अभी, अभी हम अपनी सीट पे बैठेंगे। और ये सामान ऊपर रख दो यार, ये भी ऊपर रखना, सीटें भरी रखी थी तो मेरा एक उधर उसी ऊपर अपनी सीट है। और अभी हम आ चुके हैं लंदन लुटन एयरपोर्ट में, इधर से कुछ लोग बैठेंगे, तो वो भी स्कॉटलैंड की तरफ जाएंगे या फिर लंदन में उतर जाएंगे। अभी 5-10 मिनट लगेंगे ये बस फुल होने में, या फुल होती भी है या नहीं, पर कुछ लोग आएंगे थोड़े। और अभी हम लुटन एयरपोर्ट से निकलने वाले हैं, और जो जिन लोगों ने आना था वो बैठ चुके हैं, तो बस रेडी हो गया। हाँ जी भाई, क्या करें, पॉडकास्ट करते हैं। अली साहब, आपने कभी लाइफ में बस का सफ़र किया इतना लंबा? मैंने तो भाई जो है ना अपनी लाइफ में लंबा जो किया ना,
पाकिस्तान वो सफर नहीं किया आपने, वो कुछ और किया। अरे कहना क्या चाहते हो? नहीं पाकिस्तान में किया मैंने, गुजरांवाला से त्राण खाल का राजा बस में गया था। नहीं नहीं राजा बस में नहीं भाई, कोस्तान बस है एजे के, वो जो नहीं है। हाँ कोस्तान एजे। अच्छा वो जब हम कॉलेज में जाते हैं उसको रोके वो वाली बस में, वो वाली बस है। और स्टूडेंट सफर किया था? नहीं नहीं स्टूडेंट नहीं तो किया मैंने, पैसे दिए थे पर भले ही मैंने किराया कोटली का दिया था। पता हमने पैसे दिए थे यार। एक दफा 2013 को मैं शाजी और ना एक लड़का था जवी, हम तीन लड़के मरी गए थे 300 रुपए में, बस स्टूडेंट 300 रुपए में मरी। ईद वाले दिन स्टूडेंट चला गया था काशी है मेरा दोस्त उसके साथ। यार हमारा सफर लंदन की तरफ निकल चुका है क्योंकि हम एयरपोर्ट से निकल चुके हैं, लुटन एयरपोर्ट से। अभी हम जा रहे हैं लंदन और उधर से बस पकड़ेंगे स्कॉटलैंड की तरफ। तो सुना था आपने तो काफी टूर किए हुए हैं माशाल्लाह, मैं आपकी वीडियोस वगैरह भी देखता रहता हूँ। आप आ रहा था कि सुना भाई ने माशाल्लाह बड़े सफर किए हुए हैं, हमें तो अभी थोड़ा ही टाइम हुआ है, ये सुना भाई के साथ पहला टूर है हमारा, तो हमें भी इन्हें देख के ही थोड़ा सा माहौल बना कि यार हम भी क्यों ना घूमे फिरे, पैसे तो सारी उम्र ही कमाने। तो सुनाद भाई ने माशाल्लाह आए दिन हर एक महीने बाद दो महीने बाद मैं देखता हूँ इनके पेज पे चेक करता हूँ जनाब सुनाद भाई कभी अली भैया बाकी भी बात करो क्या, अब इटली गए हुए हैं कभी फ्रांस गए हुए हैं, ये तो माशाल्लाह जवानी की उम्र है ना। इन्होंने जनाब एक सुबह का नाश्ता किया इटली में और मेरे घर में दोपहर का खाना फ्रांस में और रात का खाना पता नहीं उल्टा हो गया है। नाश्ता नॉर्वे में, दिन की रोटी इटली में, रात का खाना ये फ्रांस में, ऐसे ही कुछ नहीं तीन दिन। और भाई वो सास है मुर्गा पाकिस्तान थोड़ी है वो, तो भाई तो इनसे पूछते यार इनका क्या। अली भाई आपको इंग्लैंड में आके कैसा लगा, आज आप स्कॉटलैंड भी जा रहे हैं, क्या आपने कभी सोचा था? स्टार्टिंग में जब मैं आया तो थोड़ा सा मैं परेशान हो गया था कि यार किधर आके मैं कैद हो गया हूँ, लेकिन फिर जब बाद में असनाद भाई मिले कुछ और ऐसे ही रास्ता बनता गया तो फिर ठीक लगने लगा, क्योंकि मैं फैमिली के साथ आया हूँ तो थोड़ा इतना मुझे वो प्रदेश वाला सिस्टम नहीं लगता, लेकिन अब जो है ना अब तो मैं जो है यूज टू हो गया हूँ यहाँ पे, तो अब तो इतनी टेंशन कोई नहीं लगती मुझे। और शुरुआत में असनाद भाई के साथ ऐसा मिला ना कि ना मुझे काम की टेंशन हुई ना किसी और चीज़ की टेंशन हुई, तो ये होती है अपने बंदे नस्ली बंदे की सपोर्ट जिसे कहते हैं ना, बंदे तो अपने बड़े होते हैं लेकिन कोई लिफ्ट ही नहीं करवाता प्रदेश में ना, लोग कहते हैं चले चले यार आपको ना। अली भाई अपनी ना बता रहे थे पाकिस्तान और यूके की जर्नी के बारे में बता रहे थे कि इधर आके उनको अच्छा लगा, तो आपको बाहर का व्यू थोड़ा दिखाते हैं। ये बाहर का यार अली ना बड़ी लंबी स्टोरी सुनाने लग गया था, तो वो जो भाई है ना ये सारे वो जो आगे बैठे हुए हैं तो वो कह रहे हैं कि यार अब पाकिस्तान अब पाकिस्तान में है निकल जो इधर से पीछे, अली को उन्होंने उठा के पीछे भेज दिया। क्यों अली अम्मी का फोन आ गया, असल में उनकी अम्मी का फोन आया घर से, वो उनको आ गई अम्मी की आवाज लेट आ रही, उनका आते हुए देख लिया अम्मी ने उनको बोला बेटा बारी से दूर बैठो तुम्हारा रंग काला हो जाएगा। भाई हमने ना पाकिस्तान वाला मॉल बनाया था, पब्लिक में थोड़ी ऊंची बोल रहे थे हम, तो इधर उन्होंने बोल दिया कि ऐसे नहीं यार यार ऐसे यार, वो बात आपकी ठीक है, ये लोग ऐसे नहीं माइंड करते हैं ये थोड़ा। चले ये आप ये दही लेने जा रहे हैं तो अभी मिलते हैं आगे जाके थोड़ा। अभी हम लंदन पहुंच चुके हैं और हमारा स्टाफ जिधर हमने उतरना है विक्टोरिया स्टाफ वो तकरीबन इधर से 10 मिनट की दूरी पर है, तो ये बाहर का व्यू आप देख सकते हैं। अभी हम अपने स्टाफ में उतरेंगे तो फिर आपके साथ मिलते हैं। और अभी हम विक्टोरिया स्टेशन में आ चुके हैं और अभी हम बस से उतर रहे हैं, तो अली और सुनाद ने अपने बैग पकड़ लिए और मैंने अपना पकड़ लिया। नहीं नहीं यार विक्टोरिया है पीरो स्टेशन है यार। और अभी हम बस से निकल चुके हैं और अभी हम पैदल टूर रहे हैं, चलें चलते हैं आगे। अब हम निकलेंगे यार स्कॉटलैंड की तरफ। नहीं नहीं ये आप देख सकते हैं ये लंदन है और थोड़ा व्यू आपको दिखा रहा हूँ। और अली कैसा रहा यार ये बस का टूर? शबाज शरीफ इससे पिछली गली में रहता है। हाँ इससे दो तीन गलियां छोड़ के शबाज श्रीनिवासी का जो फ्लैट है इवन फील्ड हाउस जो है जो वो बना हुआ है जो पैसों से बना हुआ है वो आप ही बता सकते हैं। चलें अभी हम ये
लुटन से लंदन जो बस का टूर है इसको एंड इधर ही करते हैं नेक्स्ट। और अली का मोबाइल उधर ही रह गया था तो बस के अंदर ही अली ने चार्जिंग लगाया था, वो अली इधर से दोबारा भाग के गया है वो मोबाइल अपना लेने। चलो मिलते हैं आपके साथ, ये हमने व्लॉग बनाया था लुटन से लंदन बस का टूर, तो अभी हम जा रहे हैं लंदन से जाएंगे स्कॉटलैंड, तो वो आपको व्लॉग नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें एंड कमेंट्स कर लें। अली को मोबाइल मिल गया, अली आ रहा है, तो अभी ये वीडियो इधर एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट पार्ट में। तो अभी हम इधर से जाएंगे लंदन से स्कॉटलैंड, वो व्लॉग नेक्स्ट पार्ट में आपको मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू।